वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे एक बड़ी फेमस सिंगर अनमोल फातिमा हमें मिली हैं और आजकल जो है वो काफी शॉपिंग का सीजन है तो सब शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी शॉपिंग कर रही हैं तो प्रोग्राम में भी आएंगी और आपको कुछ सुनाएंगी, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या शॉपिंग करने आई हैं? शॉपिंग बस कुछ विंडो शॉपिंग और कुछ अगर पसंद आ गया तो परचेज कर लूंगी। आज तो बहुत बारिश हुई लाहौर में, बहुत बारिश हुई है, बिल्कुल बहुत बारिश हुई है आज और मौसम बहुत खराब था, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर हुआ, बारिश खत्म हुई तो सोचा कि क्यों ना शॉपिंग की जाए। अच्छा मतलब मुझे ये बताया, आपने इतनी वो आपको लोग फॉलो करते हैं तो अगर आप भी मास्क नहीं पहनेंगी तो लोग कैसे पहनेंगे मास्क? क्यों नहीं? एक्चुअली मैं आपको एक पर्सनली बताना चाहती हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब सडनली घर से निकलना पड़ता है मुझे तो फिर मतलब याद नहीं रहते कुछ, इस वजह से तो आज था मास्क बिल्कुल मेरे पास था। और ये चीज़ हम लोगों को केयरफुली रहना चाहिए, हम लोग नहीं केयरफुल रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो बस चले आज, आज हम जो है बहुत अच्छा शो कर रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से। तो मैं आपसे रिलेटेड सवाल करती हूँ, कायदे आज़म ने मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली आज़ादी किस डेट को सेलिब्रेट की थी पाकिस्तान की? ये तो मुझे नहीं पता। 6 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? 6 सितंबर को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि शहदा का दिन होते हैं, जितने भी हमारे जो शहदा हैं वो इस दिन को करारदार पाकिस्तान मंजूर हुई थी आई थिंक 6 सितंबर को, और इसलिए क्या शेयर करेंगे? शेयर करूँगी कि जितने भी इस टाइम हमारे आर्मी की पर्सन हैं, लोग हैं, जितने भी जो बॉर्डर पर खड़े हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ करती हूँ और दुआगो रहूँगी हमेशा, और सल्यूट करती हूँ उनको, पाक आर्मी को, पाक फ़ौज को। उनके लिए कुछ सुना भी दें? बिल्कुल, एक नगमा है जो कि मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, मैडम नूरजहाँ का, वो तो मैं आप सबके लिए। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज़ का राज होता है, गॉड गिफ्ट, और ये अल्लाह की तरफ से सारे मामलात होते हैं, तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे वालदैन की दुआएं और अल्लाह की तरफ से ये गॉड गिफ्ट है मुझे कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया। और इतना आपने काम भी कर लिया अब तक करियर में, तो आपको क्या लगता है यार, कुछ फील होता है कि मिसिंग है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, या जितना कर लिया बहुत? बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ मिसिंग है अभी तो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, प्रोफेशनल हूँ मैं, और अभी ऐसे लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं सीखा, अभी आगे निकलना है, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सारा काम करना बाकी है, तो ये चीज़ ज़बरदस्त। अल्लाह आपको और कामयाबी दे, तो कुछ और भी सुना दे, कुछ और क्या सुनना चाहेंगे आपके लिए? कुछ गा देती हूँ ज़बरदस्त। ओके, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देख
अब नए दिन है सोना और चांदी रात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छी आवाज है जी। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, बहुत मजा आया इनसे बात करके। जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही प्यारी उनकी आवाज भी है, और बहुत अच्छा लगा जी। वो कितना एक मजा देने वाली, सुकून देने वाली आवाज, वो उनकी आवाज है, बहुत अच्छा लगा।